नमस्कार दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो है एग्रीकल्चर का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बचे थे, उसको कर लेते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन बचा था, जो 2018-19 में जब उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें कह रहा है, देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, और देश में सर्वाधिक गेहूं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और देश का सर्वाधिक धान की बात हो रही है। तो जैसा कि पहले ही बताया गया कि गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं, ये सब में जो है प्रथम स्थान रखता है। गन्ना गन्ना की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सही है। धान की बात कर रहे थे, चावल, जो कि पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काला नमक की बात कर रहे हैं, इसमें उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो इसमें कह रहा है क्या है काला नमक? काला नमक की प्रजाति नहीं है ये, कभी मत सोचिएगा नमक है, ये चावल है, मतलब इसमें होगा धान, काला नमक, जो कि बुद्ध चावल भी कहा जाता है, और ये GI टैग प्राप्त है वहां सिद्धार्थनगर को। उसके बाद इसमें इसकी खेती जो की जाती है कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, तराई क्षेत्र में होगी, ये जहाँ बहुत पानी होगा वहां पर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में, और बुद्ध चावल भी इसे ही कहते हैं। आम की लंगड़ा किस्म की बात हो रही है, हमारे राज्य में के निम्न में से किस जिले से उद्गत मानी जाती है? तो लंगड़ा आम जो है यहाँ पर किस जिले से उद्गत मानी जाती है? तो वाराणसी से मानते हैं, ये 2021 का पेपर है, देखिए लोअर मेंस में आया था। तो आम की लंगड़ा प्रजाति वाराणसी जिले से उद्गत मानी जाती है। आम की अन्य प्रजातियां भी हैं, और संबंधित क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे दशहरी आम, जो ऊपर जिक्र हो चुका था, तो दशहरी आम की बात हो रही थी, तो लखनऊ और मलिहाबाद। चौसा आम की बात हुई, हरदोई और सहारनपुर, या फिर सहारनपुर। अल्फांसो आम की बात होगी तो रत्नागिरी महाराष्ट्र से है। केसर आम की बात होगी तो जूनागढ़ गुजरात से है। हिमसागर और किशन भोग आम है, ये दोनों की बात होगी तो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से है। और बादामी आम की बात हो तो कर्नाटक। सफेदा आम, जो सफेदा आम आता है मार्केट में अक्सर, तो आंध्र प्रदेश से। चौसा हमेशा आप लोग देखते होंगे, चौसा हरदोई सहारनपुर का है, ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। बॉम्बे ग्रीन की बात होगी तो पंजाब से संबंधित क्षेत्र है। तोतापुरी आम, तोतापुरी भी आप सुने होंगे, ये बेंगलुरु कर्नाटक से है संबंधित। और नीलम आम जो कि क्रॉस ब्रीडिंग है, ये आंध्र प्रदेश के है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और भी है, रसपुरी आम भी है, कर्नाटका से संबंधित है। और मालगोवा या मुलगोबा आम बोलते हैं, सेलम मतलब तमिलनाडु से संबंधित है ये। लक्ष्मण भोग की बात अगर होगी तो मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से संबंधित है। इमाम पसंद की बात होगी तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से संबंधित है। फाजली आम बिहार, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मनकुरद आम की बात होगी तो गोवा से संबंधित है, मनकुरद, इसको याद रखिएगा। पहाड़ी या पैरा आम गुजरात से संबंधित है, इसको बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि पहाड़ी का जिक्र आएगा तो उत्तराखंड मत कर दीजिएगा, ये क्योंकि आप सोचेंगे हो सकता है उत्तराखंड से संबंधित हो, तो गुजरात है ये, या पैरा आम भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसी पे ही है, नेक्स्ट की गुलाब खास आम की बात होती है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से है संबंधित। वनराज आम की बात है, गुजरात से संबंधित है। और किली चुंदन आम की बात है, केरल। और रूमानी आम चेन्नई से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो कौन सी फसलें यहाँ होती हैं? रबी, खरीफ, जायद, तीनों होती हैं यहाँ पर मुख्य फसल। फिर यह कह रहा है रबी फसल की बात हो रही है और खरीफ फसल की भी बात होती है, तो रबी फसल अब यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? इसमें ऑप्शन भी दिया है, तो रबी फसलें गेहूं, चना, मटर, जौ, ये चार हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि रबी जो है, इसकी सबसे पहले आप जानते रहिए रबी फसल के बारे में, कि इसकी बुआई जब होगी तो ये अक्टूबर नवंबर में, देखिए यहाँ लिखा है अक्टूबर नवंबर माह में होती है, और जब अक्टूबर नवंबर माह में होगी तो इसका मार्च अप्रैल में कटाई भी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें जो हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों है, धनिया है, यही सब है। कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? अब इसको याद रखिए, कंद फसल, कंद, तो आलू जो होता है वो कंद फसल है, और इसी का गरीब का मित्र कहा जाता है। आप देखते हैं हमेशा आलू सभी चीजों में पड़ा होता है, आलू सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी बनाते हैं तो आलू का उपयोग ज्यादा होता है, तो आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पादन भी यहाँ उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिकी की है, ये याद रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका का है मूलतः। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आलू की फसल को झुलसा रोग से संबंधित ज्यादा नुकसान होता है, झुलसा रोग हो जाता है इससे सबसे ज्यादा। 2017-18 का ये रिपोर्ट है कि दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो 2017-18 के अनुसार जब दालों की बात होगी, दलहन की बात होगी, तो पहला स्थान था उस समय। आइए इस पे देख लेते हैं कि 17-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादक वाला राष्ट्र था। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा था, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे था। वहीं 2021 के आंकड़ों के अनुसार बात होगी तो राजस्थान
देखिए यहाँ पर बदल गया, राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया, ये राजस्थान फर्स्ट पे आ गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, पहले दूसरे तीसरे पे आ गए। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है, निर्यात भी दूसरा है, सेकंड नंबर पे है, निर्यातक भी है और जो है आयातक तो है ही और उत्पादक भी करता है। उत्तर प्रदेश में बात होगी कि कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया लेकिन पूछ सकता है कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था 26 से 28 अक्टूबर को, राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें क्या होता है उद्देश्य, इसका याद रखिए कि किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग, बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया और किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत पर करें, इसका भी प्रशिक्षण भी दिया जाता है इसमें। तो आजकल कृषि कुंभ का जो आयोजन होता है अभी भी होता है, तो उसमें लोग जाते भी हैं, समझते हैं हर चीज़ों को, ये एक सरकार का एक अच्छा पहल होता है, अच्छा पहल है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ रहा है, तो हमने बताया आलू, गेहूं, ये सब में पहला स्थान है, गन्ना में भी पहला स्थान पे है। वहीं आलू दिवस, देखिए 19 अगस्त को बात होगी, राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन इसका बात कर लें कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहीं पर स्थापित है। तो भारतीय, यहाँ पर दो जो फैक्ट आपको याद रखना था, ये तो उत्पादन तो मान लीजिए जान गए आप, लेकिन 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है और वहीं पर बात होगी कि केंद्रीय, अगर सेंट्रल का पूछ रहा है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास, आगरा की बात हो रही है, रुई या कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? तो अप्रैल का पहला, जब पखवाड़ा मतलब 15 दिन होता है, जब अप्रैल का मंथ जब शुरू होता है 15 दिन वो मंथ माना जाता है रुई के वहां पर बुआई के लिए। तो ये कपास, अच्छा यहाँ पर क्यों हो रहा है, देखिए बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा यमुना दोआब बुंदेलखंड रुहेलखंड के क्षेत्रों में की जाती है, प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस के जो है कपास, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, अब देखिए इसमें केला, आम, पपीता, अमरूद दिया है, तो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा इन चारों में बात होगी तो आम, दशहरी आम भी बहुत फेमस है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आम, और जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का है, मध्य प्रदेश अमरूद का है, बिहार लीची का है उत्पादक, और मैंगो फेरा इंडिका नाम भी है इसका साइंटिफिक नेम आम का। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये भी प्रथम स्थान पे है, जैसा कि गन्ना, आलू, दूध, ये सब में, गेहूं में, ये सब में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश, और चावल में तो पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान, आपको पता है, और सेकंड पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश की प्रमुख उत्पादकों में से एक है, कौन सा है, इसमें लिखा गन्ना, गन्ना एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISER लखनऊ में स्थित है, भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। इसको याद रखिए, ये दो फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट ये हो गया कि अगर गन्ना अनुसंधान पूछ रहा है भारतीय तो लखनऊ में है, लेकिन अगर चीनी अनुसंधान पूछ रहा है भारतीय तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ये दो फैक्ट हो गए। यही सबसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसी सब पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज के लिए है, ये मतलब इसमें से पहचानना है कौन सा सही विकल्प है, तो आप देखेंगे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का उत्तर प्रदेश के लिए। एक अखरोट का उत्पादन होता नहीं, यहाँ पर अगर जमीनी अखरोट की बात होगी तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, चावल, जौ ये सब बहुत कम होते हैं, ज्वार बार यहाँ पर, बाजरा मक्का होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन ये जो है जौ, मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल सब होता है, ये सब, गेहूं भी है। राज्य भारत, देखिए कौन सा राज्य कह रहा है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश, जो खाद्य फसलें हैं यहाँ पर सब सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं, जैसे गेहूं, चावल भी होता है, गन्ना भी होता है, आम होता है, आंवला, आम, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद, सबका उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। अब देखिए सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इसको करेंगे क्योंकि यहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो 2022 में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है एक, कि एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है कह रहा है, विशेष ध्यान दीजिए कि नहीं है बोला है, तो वो कौन सा बांध है इसमें, तो बदुआ जो है ये बिहार में है, इसको याद रखिए कि बिहार मतलब बिहार में बांका में है ये, अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बदुआ। बाकी औरा का बात कर रहे हैं मिर्जापुर में है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मिर्जापुर में है, और अड़वा की बात कर रहे हैं तो मिर्जापुर में ही है उत्तर प्रदेश, और बघेलखंड तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, ये सब बात है, लेकिन बदुआ की बात होगी तो बांका बिहार में है, तो यही जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, अब कौन सी है ये लगभग सभी को पता होगा कि रिहंद परियोजना जो है
ये यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना है। बाकी माता टीला और ये सब भी नाम सुने होंगे, लेकिन रिहंद परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब ये होता है कि कोई बांध बनाया गया है तो उसका मल्टीपर्पज यूज हो, ठीक है, वहां से बिजली भी, सिंचाई भी, और लोगों को पीने के लिए पानी भी, सब चीजों के लिए उपलब्ध हो जाए। तो आइए बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात हो, कितनी तो रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जो पिपरी गांव है वहां पर, एक गुरुत्वाकर्षण बांध है ये। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत जो है ये सागर कहाँ पर स्थित है, तो यही रिहंद बांध ही है जो सोनभद्र के पिपरी गांव में स्थित है। अगर बहुत डीप में जाके पूछेगा कि पिपरी गांव में स्थित कौन सा बांध है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि पिपरी गांव कहाँ पर है। पिपरी गांव तो यहाँ पर है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, अभी तक ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो नलकूप है वही सिंचाई का सबसे बड़ा वो है। तो उत्तर प्रदेश नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है, और यहाँ पर नहर भी दिया है, नलकूप नहर, नहर में भी है उत्तर प्रदेश का स्थान, लेकिन नलकूप की बात करें हम तो 74.9% है, नहर में 15.2%, कुआं जो है 8.8%, तालाब, झील आदि में 0.5, अन्य में 0.6। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। फिर वही बात आ गई, तो इसमें देखेंगे नलकूप है, नलकूप को ही लगाएंगे, और नहर की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, तो कौन सी नहर है? अब देखिए, अपर गंगा है, शारदा है, लोअर गंगा है, रामगंगा है। अब इसके जब एक्सप्लेनेशन पे आप जाएंगे, तो आप पहले नंबर जानते रहिए कि शारदा नदी जो है, शारदा नहर जो है, इसमें नदी भी है, ये नहर भी है, अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है, ये सर्वाधिक लंबी है नहर इन सब के कंपेयर में। चंपावत के बनवासा मतलब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर ये जो है शारदा नदी से निकलती है, और नहर का निर्माण काल 1920 से प्रारंभ हुआ, 1928 में पूर्ण हुआ, और 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, शारदा नहर है जो कि शारदा नहर। देखिए यही क्वेश्चन आप देखिए 2003 में आया हुआ है, और फिर यही क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, दूसरे एग्जाम में पूछ लिया है, तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, इर्द गिर्द ही रहता है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य, अब फिर वही क्वेश्चन आया, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब देखिए 2017 से यही क्वेश्चन, फिर यहाँ पर पूछा था 15 में भी, 21 में भी पूछा है किसी में, तो ऐसे है क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। तो देश के नलकूपों और कूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, और जो कि समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त किसी क्षेत्र की बात होगी, 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्जुन बांध के बारे में पूछा है, उत्तर प्रदेश को लाभान्वित जिला है, तो ये जब हमीरपुर आप जाएंगे तो वहां पर मिलेगा, महोबा जिले, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध जो है उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर होगा यहाँ पर, अगर महोबा भी दिया होता तो महोबा भी हो जाता, क्योंकि महोबा और हमीरपुर दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन यही बन सकता है कि अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है, तो महोबा रहेगा ऑप्शन, तो महोबा करिएगा, क्योंकि वहीं पर चरखारी में स्थित है, अर्जुन नदी पर बनाया गया है। कोई भी बांध या नहर का नाम अक्सर जो है नदियों पे ही रहेगा, मतलब ज्यादातर संभावना यही रहता है कि नदियों के नाम पे ही रहता है, बाकी बाद में तब्दील कर दिया जाए तो बात अलग है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना की बात हो रही है, तो गोकुल बैराज परियोजना जो है यह पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन, पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर गोकुल पेयजल की बात हो रही है, गोकुल का नाम आ रहा है, तो मथुरा आप जाएंगे तुरंत, तो आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो गोकुल बैराज परियोजना पूछ सकता है कौन से नदी पर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कौन से नदी पर है गोकुल बैराज परियोजना, तो यमुना नदी पर है, और कहाँ पर है, तो मथुरा में है, ये मथुरा और गोकुल के मध्य में है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है अब बेतवा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच होगा ये। अब चूंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात है और रानी लक्ष्मीबाई जी की बात है, तो आप जाएंगे अब उधर क्या नाम है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, यहाँ सब चले जाएंगे, तो यही सब बॉर्डर अटैच है मध्य प्रदेश से, तो बेतवा नदी पर है। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है।
अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। ललितपुर, देखिए ललितपुर ऐसे लटका हुआ है, ललितपुर यही है। उसके बाद जो है झांसी हमीरपुर जालौन, ये देख रहे हैं आप, ये सब वही उत्तराखंड के ही क्षेत्र हैं, सॉरी उत्तराखंड का है, ये झांसी के आसपास के क्षेत्र हैं। 2.6 लाख, 6-4 लाख एकड़ भूमि सिंचित करते हैं ये। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, औरैया जिला के बारे में सुने होंगे, प्रमुख रूप से का किसका उत्पादन करता है ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शुद्ध देसी घी का औरैया जिला जो है, तो औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए फेमस है। और यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का उत्पादन जिला अयोध्या है, जैगरी जिसे बोलते हैं, जैगरी का है। मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जो है हाथरस है, हींग के लिए हाथरस जाएंगे, हाँ से हींग, हाँ से हाथरस। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुउद्देशीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहते हैं, ये तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन इसके आगे भी दिया है कि अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास को कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पादन बनाने और मूज उत्पादन उत्पाद कहा जाता है। अब देखिए ये अगर मतलब जो गांव से थोड़ा भी बिलोंग करते होंगे वो ज्यादा बता पाएंगे अच्छे से, मतलब इसका क्वेश्चन तुरंत कर देंगे। सरपत का नाम सुने होंगे, तो सरपत जो है ये मतलब हर चीज बनाने में उपयोग हो जाता है, सरपत या मूज घास कहते हैं इसे। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई प्रकार के सजावटी सामान का उत्पादन करते हैं। और सरपट कुश की तरह एक घास होता है जिसमें टहनियां नहीं होती हैं। उसके बाद कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? देखिए गेहूं, तिलहन, चावल, कपास। तो आपको पता है कि कपास का उत्पादन यहाँ नहीं होता, बाकी सब का उत्पादन होता ही है व्यापक रूप पे, व्यापक स्तर पर बात कर रहा है, जिसमें स्थान अगर प्रथम पूछता तो गेहूं है और दूसरा स्थान अगर बात होगी तो चावल है, प्रथम पे वेस्ट बंगाल है, और तिलहन की बात होगी तो मध्य प्रदेश जो है पहले पे है। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ ये सब है। उत्तर प्रदेश में जो कपास है वो नहीं उगाया जाता है, लगभग ना के बराबर आगरा में उगाया जाता है। और यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, जलवायु भी वैसा नहीं हो पाता, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे, काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पाया जाता है? नींबू कहाँ पर पाया जाता है? तो सहारनपुरा और मेरठ के जिले में जब जाएंगे तो वहां पर नींबू की प्रधानता पाई जाती है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है, और साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, साइट्रस लिमोन नाम है वैज्ञानिक नाम, पूछ लेता है वैज्ञानिक नाम इसीलिए उसमें दिया गया है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? जो कि सर्वाधिक होगा वही लगा दीजिए, मतलब 25 से 40%। ये जो है प्रथम पे है उत्तर प्रदेश 25 से 40%। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में बात होगी अगर गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य जो है उत्तर प्रदेश 41.28%, और महाराष्ट्र में 20.4%, तमिलनाडु में 19.94%, और कर्नाटक में 10.47%, हरियाणा पंजाब आदि में भी पाए जाते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, आम की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश है इन सब में, तो उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, गुजरात आदि भी राज्य का स्थान आता है। प्रमुख एजेंसियां दिया है और पूछा उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण शामिल करता है, अब कौन करता है इसमें? तो FDI, फूड कारपोरेट, FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, देखिए यहाँ पर कह रहा है अनाज भंडारण में शामिल है, इनमें से कौन सा प्रमुख एजेंसियों में एक नहीं है, नहीं है पूछा है, FCI नहीं है, ये FCI नहीं है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है अगर तो एक बार के लिए वो हो जाता है, लेकिन ये नहीं है, FDI दिया है, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट है जो है, इसमें निवेश की बातें होती है, प्रत्यक्ष निवेश की बात होती है, और बाकी FCI देखिए यहाँ पर दिया है, FCI ये है, ये तो होता है। उसके बाद सी, देखिए CWC भी होता है, केंद्रीय भंडारण निगम है ये, और फिर इसमें दिया है राज्य भंडारण निगम, SWC भी दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन इसमें बी नहीं होगा, इसमें पूछा नहीं है, सॉरी बी जो है FDI दिया है, फॉरेन डिस इन्वेस्टमेंट। किसी आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार बात हो रही है, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन पूछा है कौन सा सच नहीं है, तो सच नहीं है ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, और इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछेंगे। तो 2014-15 के अनुसार बात होगी तो 28 किसी केंद्र, किसी विज्ञान केंद्र, और 4 राज्य किसी विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र है, तो देखा जाए बी ऑप्शन है यहाँ पर। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 किसी केंद्र हो गए हैं, किसी विज्ञान केंद्र, और प्रथम किसी विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में 1974 में खोला गया था।
तो अभी वर्तमान का आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये लोकल टाइप का हो गया एकदम क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं कुशीनगर में है ये बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरई नामक स्थान पर है और स्थापना इसका 1976 में हुआ था और पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो की बात हो रही है, कहाँ पर स्थित है बीज प्रमाणीकरण? आलमबाग में स्थित है, लखनऊ में आलमबाग है। 2002 में स्थापना हुई थी। पूछ रहा है बीज प्रमाणीकरण। कृषक समृद्धि आयोग, फिर नेक्स्ट, ये देखिए फिर से रिपीट हो गया, 2021 का क्वेश्चन है ये। तो कृषक समृद्धि आयोग की बात हो रही है, तो 2017 में हुआ था और उद्देश्य यही था, इसमें समृद्धि की बात हो रही है तो किसानों की आय दोगुनी 2022 तक करना था, लेकिन बीच में कोविड आ गया था। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, ये भी देखिए परीक्षा बांध बार बार पूछता है, रिपीट भी हुआ है कई बार क्वेश्चन, तो बेतवा नदी पर स्थित है। देखिए परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। अभी एक क्वेश्चन और बेतवा नदी से था संबंधित, आप उसको बताइए फिर से उसका आंसर। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन स्थित है, आलू निर्यातक जोन की बात हो रही है, तो आप आगरा साइड जाएंगे तो वहां पर होगा आलू निर्यातक जोन। तो आलू के निर्यात जोन की स्थापना की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की बात हो रही है, काला नमक की बात होगी, तराई क्षेत्र में उगाया जाता है, बुद्ध चावल भी कहते हैं इसे। देखिए इसकी खेती जो है बौद्ध काल मतलब 600 ईसा पूर्व में से ही की जा रही है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है ये चावल का कटोरा, चंदौली को कहा जाता है। ये सब फैक्ट है, इसे पढ़ते समय ही याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह से पानी की बेहतर आपूर्ति उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? कह रहा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो वर्षा जनक जो है वो नहीं है, बाकी राम गंगा शारदा सहायक गंडक ये सब है। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973 से 74 में तीन समावेश जो है विकास परियोजना शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक की शुरुआत की गई थी। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, जो कि पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन यही सबसे आता है, बार बार आता है, इसीलिए कहा जाता है आप PYQ सॉल्व करते रहिए, हमेशा करिए, NCERT पढ़िए, PYQ सॉल्व करिए, इतना बहुत होता है किसी भी, क्योंकि और सब रेफरेंस बुक है और ये भारत सरकार की मान्यता बुक है NCERT, और ये आयोग का क्वेश्चन है, मतलब आयोग का मान्यता क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध की फिर आ गई बात। देखिए टिहरी बांध किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? अब ये चूंकि 2016 का क्वेश्चन पेपर है तो इसलिए सोवियत रूस की बात हो रही है, रशिया की बात होगी, जब सोवियत संघ था वो सोवियत रूस था, जब अलग नहीं हुए थे तब की बात है। तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर मतलब 855 फीट, और वर्तमान में इसकी स्थापना 2400 मेगावाट का है, और भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दी है। टिहरी बांध की बात हो रही है तो केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। ये रेशियो चलता है, अब देखिए इस रेशियो में है, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो 75:25 का है, नहीं तो अक्सर 60:40 का चलता है, या 50:50 भी चलता है कभी कभी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इतना केंद्र दे रही है और इतना स्टेट दे रहा है, इतना केंद्र देगी इतना स्टेट, तो ये 75% जो है धन केंद्र देगी, 25% स्टेट। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध, फिर ऊंचा बांध का पूछ लिया है, तो राम गंगा बांध जो है ऊंचा बांध है बिजनौर में, राम गंगा बांध का निर्माण। अच्छा अब ये देखिए हो सकता है, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बिजनौर है, उत्तराखंड ये लगता है यूके, यूके ये लगता है उत्तराखंड, तो यहाँ पर बिजनौर है, क्योंकि यहीं से ही बिजनौर से ही गंगा जी प्रवेश करती है, आके इलाहाबाद में जब मिलती है यमुना गंगा का तो संगम बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर राम गंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के राम गंगा नदी पर किया गया था, 127.5 मीटर ऊंचा है, जबकि माता टीला की बात होगी तो 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था, और वहीं ऊंचाई की बात करें तो 45.72 मीटर है। रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर बनाया गया है, इसकी भी ऊंचाई की बात करें तो 91.46 मीटर है। मेजा बांध मेजापुर में बेलन नदी पर बनाया गया है, इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध फिर से पूछ लिया है कि कहाँ पर है, तो हमने बताया कि इससे पहले झांसी की बात किए थे, झांसी में, और कहाँ कौन सी नदी, बेतवा नदी की बात किए थे, बेतवा नदी,
अब देखिए बेतवा नदी की बात करें, क्वेश्चन ऐसे ही याद होते हैं जब आप क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहे हैं तब। देखिए यहाँ पर परीक्षा बांध की बात हो रही है, बेतवा नदी पर है और यह जलाशय बिजली उत्पादन के लिए है। परीक्षा थर्मल, देखिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया गया है। अब बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ये फिर वही क्वेश्चन आया कि हमीरपुर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए अब पर्यटन का जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, लेकिन अब जो है अब और भी सीरीज चालू होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी और भी है जो पीवाईक्यू में अभी तक आए हुए हैं उसको किया जाएगा। थैंक यू।